अब खबर हरियाणा से। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर वकील बैठे हड़ताल पर। कोर्ट वर्कर सस्पेंड कर लघु सचिवालय के बाहर बैठे धरने पर। नए प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए 10,000 रुपए प्रतिमा, स्टार्ट फंड स्कीम, मेडिकल क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउस स्कीम के तहत नए प्लॉट उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर और देश के सालाना बजट में 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान लाने जैसी कई अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के आह्वान पर फतेहाबाद के वकीलों ने कोर्ट का वर्क सस्पेंड कर पेन ड्राउन स्ट्राइक रखी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए वकील लघु सचिवालय के बाहर एकत्र हुए और वहां धरना दिया। वकीलों द्वारा कोर्ट का वर्क सस्पेंड किए जाने के कारण लोगों को जहां एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं वकीलों का कहना था कि वे अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना था कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की सरकार के पास कुछ मांगे रखी गई, जिनमें नए प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को 10,000 रुपए प्रतिमा, स्टार्ट फंड, मेडिकल क्लेम पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस स्कीम के तहत कम रेट पर प्लॉट उपलब्ध करवाने तथा देश के सालाना बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान दिए जाने की प्रमुख मांगे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती तो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया उन्हें जो आदेश करेगी वह उसकी पालन करेंगे, फिर भले ही उन्हें आगे भी हड़ताल क्यों ना करनी पड़े। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हम सब लोग शामिल हुए हैं। इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड्स रखी हैं, जो वकीलों की डिमांड्स हैं, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे? हमारी मेडिकल क्लेम पॉलिसी जो एडवोकेट्स के लिए है और जो न्यू एडवोकेट्स एनरोल्ड होते हैं उनको जो 5 साल तक के उनके 10,000 रुपये स्टाइफंड का डिमांड है, और उसके बाद में रिहायशी जो प्लॉट्स हैं, लैंड है, उसको चीपर रेट्स में हमें मिलना चाहिए। टोल जो एडवोकेट्स के लिए है वो फ्री होना चाहिए। इस तरह की डिमांड है।